तो कहाँ रहता है इसका अंडा? इसका मुंह में अंडा करीब से दिखा हरीश। ये हैचिंग सेक्शन है, अभी ये सैनिटाइजेशन हो रहा है पूरा। अच्छा। पूरा इसको वॉश करके आप सैनिटाइज करके फिर से यहाँ पे एग आएगा। ये साइड से हम फार्मर को डिलीवरी चालू कर ये साइड। भैया ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ये क्या है? ये केज कल्चर है भैया, पिंजरे में मछली रख के उसको बड़ा करते हैं छोटे। ये एक्चुअली रिजर्वायर बड़ा है। हाँ। रिजर्वायर बड़ा है पर ये केजेस का पानी सर्कुलेट होते रहते। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम खड़े हैं, ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे जैसे लिखा है MM फिश हैचरीज, और इस हैचरी का देश भर में बहुत नाम है और उसके ऑनर जो हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपांकर मंडल। और सर ये काम कब से कर रही है हैचरी? मछली काम हमारा 60-70 साल हो गया। हैचरी हमने 2013-14 में स्टार्ट किया। अच्छा। पहले पंगेशियस का किया, IMC का किया, फिर तेलापिया का किया। अच्छा। अभी तेलापिया हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ अच्छा है तो डिमांड ज़्यादा है, तो अभी तेलापिया इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, पंगेशियस IMC कम कर रहे हैं। अच्छा। और क्या क्या सप्लाई करते हैं यहाँ से? सभी मछली आता है सर, पंगेशियस भी देते हैं। हाँ। तेलापिया भी देते हैं। तेलापिया हालांकि ज़्यादा जाता है हमारा, ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादा डिमांड है हमारा तेलापिया सीट का। हाँ। बट पंगेशियस भी है, तेलापिया भी। अगले साल से क्या करेंगे, इसको पंगेशियस के लिए ही करेंगे बस। और बाकी दूसरा नया एक 100 acres का हैचरी है, उसमें तेलापिया का करेंगे। अच्छा। उसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी रहेगा और अच्छा वेराइटी हम बाहर से ला रहे हैं, उसको इम्प्रूव भी करेंगे और उसको सीट भी बनाएंगे। अच्छा सर, हम जिस लोकेशन पे खड़े हैं ये लोकेशन कौन सा है, और इसके अलावा कौन कौन से लोकेशन पे आपके और हैचरी मौजूद हैं? ये माना बस्ती में आता है सर। माना बस्ती में आता है, एयरपोर्ट के जस्ट पीछे है। रायपुर के पास माना बस्ती है और एयरपोर्ट के जस्ट पीछे में है। बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है यहाँ से, बाई फ्लाइट, बाई ट्रेन, बाई रोड, एनी वेयर इंडिया में कहीं भी हम 24 घंटे में सीट डिलीवरी कर सकते हैं। और जो दूसरा हैचरी हमारा बन रहा है यहाँ से 100 kilometers में है, वहाँ यहाँ पे एक्चुअली लैंड शॉर्टेज की वजह से हम और एक्सपांड नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पे 100 acres में सिर्फ तेलापिया का है सीड, बहुत अच्छा क्वालिटी का, और क्योंकि जेनेटिक सेंटर भी रहेगा तो हर साल इम्प्रूव भी होगा उसमें, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस रहेगा, FCR आपका कम आएगा और हर साल इम्प्रूव कर पाएंगे सीट। तो वहाँ से तेलापिया और यहाँ से पंगेशियस का करेंगे। आज की डेट में बात करें सर, तो पर डे कितनी कैपेसिटी है सीट सेट सेल करने की? सर कैपेसिटी तो हमारा पर मंथ 2 crore सीट प्रोडक्शन का है, पर एज लाइक डिमांड जितना आ रहा है वैसा ही हम टारगेट करके, क्योंकि ज़्यादा भी सीट बना दिए तो उसको हम ज़्यादा देर रख नहीं सकते, मछली को भूखे नहीं रख सकते। तो सीट हमको जितना डिमांड आता है उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। एवरेज 50 lakh 1 crore सीड हम सीजन में निकालते हैं, तेलापिया का भी पंगेशियस का भी। पर डे बोल रहे हैं? पर मंथ। ठीक है, पर मंथ बताया सर ने। तो चलिए ये हैचरी हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं और सर से बाकी बातें भी करते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए सर, पहले जहाँ ब्रूडर रखते हैं वहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें अंडा कलेक्शन करेंगे, इसमें ब्रू स्टॉक है। हाँ। ब्रू स्टॉक भी हम ज़्यादा बड़ा साइज़ का नहीं ले सकते, 250 से 600-700 grams। अच्छा। ज़्यादा बड़ा रखने से हापा से कूद देगी मछली, हाथ में नहीं आ पाएगा। अच्छा। तो उस साइज़ का ब्रूडर से अंडा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हैचिंग में भेजेंगे, इसको सैनिटाइज करके हैचिंग रूम तरफ ही सैनिटाइजेशन होगा इसका। हाँ। अंडे का। हाँ। फॉर्मलिन और PP से थोड़ा सैनिटाइज करेंगे, फिर उसको हैचिंग में लगाएंगे। अच्छा। तो इसमें इस तरीके से कितनी हापा? ये लगभग 200 से 300 हापा लगते हैं यहाँ पे, अभी 24 हापा है। अच्छा। लगभग 10 से 12 एकड़ में खाली ये हापा लगता है। हाँ, हापा लगता है। हापा के अंदर ब्रू स्टॉक रहता है। हाँ। फिर वो ब्रू स्टॉक से एक एक मछली चेक करते हैं, जैसे अभी चेक करेंगे देखिएगा। हाँ, हाँ। एक एक मछली को चेक करेंगे, उसकी एक्चुअली तेलापिया मछली मुंह में अंडा रखती है। अच्छा। तो मुंह से एक एक मछली को पकड़ के अंडा कलेक्ट करेंगे। अच्छा। बहुत मेहनत वाला काम है एक्चुअली, मेहनत वाला काम है। और इसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा बारीकियों के साथ। तेलापिया हैचरी भी आप केंद्र सरकार से परमिशन लेके ही कर सकते हैं। अच्छा। नॉर्मली IMC जैसा नहीं है कि आप हैचरी बिना अनुमति के कर लिए। अच्छा। हमारा सब जगह से सर्टिफाइड है। अच्छा। ब्रू स्टॉक भी हम परमिशन लेके केंद्र सरकार से ब्रू स्टॉक लेके आए हैं 2016 में। अच्छा। फिर उसका हर साल जनरेशन अलग अलग फैमिली का है, अलग अलग फैमिली का मेल इसका फीमेल उसका, ऐसा करके। हाँ हाँ।
ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीड करके इसको, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। इसमें सर जो ब्रूडर है उसकी उम्र क्या होगी अभी? ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 7 महीने 8 महीने का ही। अच्छा, ज़्यादा दिन का होने से साइज़ बड़ा हो जाएगा। अच्छा, साइज़ बड़ा होने से एक हाथ में आता नहीं है, एक हाथ में आना चाहिए जैसे। हाँ हाँ, तो कहाँ रहता है इसका अंडा? इसका मुंह में अंडा है। करीब से दिखाओ हरीश। हाँ, एक बड़ा साइज का दिखाओ तो जिसके मुंह में ज़्यादा अंडा हो। ये इस, हाँ दिखाओ हरीश, देखो। तो इसके अंडे को सर मुंह से ही निकालते हैं? जी जी, ये एक अंडा देके, ये मछली अंडा देके हाँ। अपने मुंह में रख के मुंह को हिलाती है, तो उससे अंडा मूवमेंट होता है और हैच भी होता है। अच्छा, अंडा देके अंडे को मुंह में रख लेती है। हाँ। और ये नया चीज सीखने को मिला है और बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा, है ना? चिचलिट वैरायटी की जितनी हुई मछलियां हैं, हाँ, चिचलिट वैरायटी में कई हजार मछलियां हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें से एक तेलापिया भी है। अच्छा, तो चिचलिट वैरायटी में आती है, तो उसके मुंह को ही वो पानी में डाल रहे हैं बाल्टी में, तो वो निकलेगा। ठीक है, तो एक बार में एक मछली से कितना अंडा? तकरीबन 500 से 2000, अगर छोटा साइज का है 500, बड़ा साइज का है 2000। अच्छा, इस तरीके। अगर छोटे मछलियों में फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता है अंडा देने का, बड़े मछलियों में महीने में एक बार देगी, छोटे मछली हो सकता है महीने में दो बार देगी। ठीक है सर, तो मुंह से ही निकाल ले रहे हैं बाल्टी में और इसके बाद ले जाकर उधर टैंक में डालेंगे। तो हम अलग अलग सेटअप सर के साथ घूम रहे हैं, और इसमें क्या है सर? इसमें हर साल हम लोग सीड रखते हैं, 4 महीना 5 महीना रखते हैं, 6 महीना तक, और ग्रोथ चेक करते हैं कि कितना ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, सीड सही जा रहा है कि नहीं फार्मर को, प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। अभी ये जो साइज़ है 70-80 ग्राम, ये 1.5 महीने का साइज़ है। अच्छा, तो इसको 4 महीने तक और पकड़ लीजिए, मार्च तक देखेंगे कितना साइज आ रहा है और इसमें कितना मीफिल। हर साल ऐसा टेस्टिंग करते हैं, 2-3 हज़ार पर टेस्टिंग करते हैं। और इसको दाना कितने कितने टाइम देते हैं सर? ये दिन में 3 बार 4 बार, अभी 100 ग्राम तक दिन में 3 बार देंगे। हाँ। 100 ग्राम के बाद 150 ग्राम के बाद दिन में 2 बार कर देंगे। इनिशियली स्टार्टिंग करते दिन में 4 बार से, जब एकदम 0.3 ग्राम की रहती है, फिर 40 ग्राम तक उसको 4 बार से 3 बार में कर देते हैं, 40-50 ग्राम के बाद अप टू 100 ग्राम या 150 ग्राम उसको 3 बार देते हैं, 150 ग्राम के बाद दिन में 2 बार उसको कर देते हैं। अच्छा, और सर जो बीच में मशीन चल रही है उसको क्या बोलते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है? देखिए, कैटफिश और तेलापिया में अंतर है बहुत। कैटफिश मोस्टली ऑक्सीजन ऊपर से ले लेती है, तेलापिया को डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए रहता है। अच्छा, तो जितना ऑक्सीजन अच्छा रहेगा उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, FCR अच्छा रहेगा, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो तेलापिया में एक तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा DO लेवल अच्छा मेंटेन करना है, तभी आपका FCR भी अच्छा आएगा, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आता है इसमें। बेनिफिट एरिएटर का बेनिफिट हमेशा आपको, हाँ बिजली थोड़ा आता है ठीक है, पर जितना आपका बिजली में खर्चा हो रहा है FCR में आपका बचत है, ग्रोथ आपका जल्दी आएगा, पानी का क्वालिटी अच्छा रहेगा, बहुत सारे बेनिफिट है। तो हर मौसम में चलता है ये? हाँ, हमेशा चलाते हैं। अगर आप मोस्टली शाम को लगता है एरिएटर, शाम के 5 से सुबह 8-9 बजे तक, बाकी अगर आप 24 घंटा चलाएं तो सोने में सुहागा, बहुत अच्छा। अच्छा, दाना देने का टाइमिंग क्या रखते हैं सर? दाना आप सुबह 9 बजे 10 बजे देते हैं छोटे सीड को, दिन में 4 बार, 9 से शाम के 5 बजे के बीच में आप 4 बार दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 150 ग्राम हो गया तो दिन में 2 बार अगर दे रहे हैं तो बॉडी वेट हिसाब से कैलकुलेशन करके दिन में 2 बार दीजिए, दिन में उस कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हैचरी वाले हिस्से को, और उसके बाद सर के पास जो बड़े साइज के ब्रूडर हैं, जो सबसे बड़े हैं, उनको भी हम वीडियो के आखिर पर आपको दिखाएंगे। और ये गाड़ियाँ हैं, है ना सर? एक गाड़ी इधर है, एक इधर है। तो सर इससे क्या सप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? सर ऐसी गाड़ियों में, ये इंसुलेटेड गाड़ियां हैं पहले तो, हाँ, इससे हम अप टू 2000 किलोमीटर, यानी 2000 किलोमीटर कहीं भी छत्तीसगढ़ से कहीं भी हम भेज सकते हैं, यहाँ से केरला हो, यहाँ से महाराष्ट्र हो, यहाँ से दिल्ली हो, यहाँ से कोलकाता हो, कोलकाता भी सीड जाता है थोड़ा बहुत, तो जहाँ भी भेजना है बाई रोड, क्योंकि फ़्लाइट में फिर स्पेस नहीं मिलता, ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं अभी कोविड टाइम में, तो इससे हम जहाँ भी भेजना है यहाँ से भेजते हैं, अपनी गाड़ियों से भेज देते हैं। ठीक है सर, तो सर जैसे भेजते हैं तो एक चीज़ और समझेंगे अपन हैचरी घुसने से पहले, जैसे आपका जो नाम है, ब्रांड है, उसका लोग पहचान कैसे करें, समझे कैसे? सर देखिए, अभी ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो हमारा नंबर मिल ही जाएगा, हमारे नाम से बहुत लोग सीट सेल करते हैं, बट वो जेन्युइन नहीं है, अब
हम कहाँ कहाँ उसको बंद तो नहीं कर सकते, इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ आप जाएंगे और उनको, हाँ जिनको सीट चाहिए डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए या फिर एक क्रॉस टैली कर लीजिए, जो भी आपको सप्लाई दे रहे हैं हमसे लिए हैं कि नहीं, एक बार और हमारे ऑफिस में फ़ोन करके उसको पता कर लीजिए कि वो हमारे जेन्युइन डीलर है कि नहीं। मतलब आपका नाम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी ऐसे कह के भी बेच देता है कि मैं उनका डीलर हूँ, ऐसा है यहाँ? वैसा करके ही मोस्टली, कोई कोई अपना हमारा पॉलीथीन छाप ले देंगे, कोई कोई बोलेंगे कि हम उसके फ्रेंड हैं, हम आपको अच्छा सीट दें, तो सबका अपना अपना रहता है। बट आप एक बार क्रॉस टैली कर लीजिए, फार्मर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, एक सीड खरीद रहा है, फिर उसमें दाना, फिर अपना समय, अपना ज़मीन सब लगा रहा है, तो एक फ़ोन घुमाने में कोई दिक्कत नहीं, एक फ़ोन घुमा के पता कर लीजिए वो हमारे डीलर है कि नहीं, या हमारा सीड दे रहे कि नहीं, या हमसे आप डायरेक्ट लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ओके, आपको जेन्युइन सीड मिलेगा, ये पता चलेगा वहाँ से। ठीक है सर, अब चलते हैं हैचरी में, और ये हैचिंग रूम लिखा हुआ है, और चलते हैं हम। इसमें क्या क्या होता है सर? ये हैचिंग सेक्शन है, अभी ये सैनिटाइजेशन हो रहा है पूरा। अच्छा, पूरा इसको वॉश करके आप सैनिटाइज करके फिर से यहाँ पे एग आएगा, उस वो वीडियो भी कल जो आप फिर से लेंगे तो वो वीडियो भी आप उसमें ऐड करें। अच्छा सर, वो जो मुंह से अंडा निकाल के रख रहे थे, निकाल के फिर इसमें डालते हैं, इसमें डालते हैं हैचिंग के लिए डालते हैं। ठीक है सर, और इसके बाद कहाँ जाता है सर, ये दिखा दीजिए। तो सर ये टैंक और ये सीड है ना? जी जी। तो ये जरा समझाइए सर कैसे कैसे। इसमें हम शुरू के 7-8 दिन रख के फिर उसमें दाना का आदत डालते हैं, फिर उसको फिर 10 दिन हापा में रखते हैं, जैसे वहाँ ब्रूडर्स का हापा था, हम लोग सीट का भी हापा इधर पीछे है क्या सर? पीछे है। तो उसमें रख के 25 दिन का करके लगभग ये साइज आ जाता है, फिर ये साइज से हम फार्मर को डिलीवरी चालू कर, ये साइज डिलीवर होगा। जी जी जी। और ये कितने दिन का है सर अभी? ये 22 से 25 दिन का। 22 से 25 दिन का। जी जी। ठीक है, तो सभी मसली का 22 से 25 दिन हो जाता है? 22 से 25 दिन के बाद ये लगभग 99% मेल बन जाती है, तो फिर उसको फिर सेल आउट चालू करते हैं। फंगेशियस भी आपको 1 से 1.5 महीना लगता है, तेलापिया ये छोटे साइज में सेल होता है थोड़ा। मेल बन जाती है, मतलब मेल ही सेल करते हैं, ऐसा है क्या सर? हाँ, हार्मोन मिथाइल टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट देने से इस ये सब 99-100% मेल बन जाती है। अच्छा, तो जो हम किसी के तालाब पर जब देखते हैं तो उसमें 99% मेल ही रहता है? मेल ही रहता है, मेल का ग्रोथ ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको मोनोसेक्स बोलते हैं। अच्छा, मतलब सेल मेल ही करने हैं। नॉर्मल तेलापिया, वाइल्ड तेलापिया, उसका 150-100 ग्राम से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता। अच्छा, बट जब अच्छा ब्रू स्टॉक आप कहाँ से कहीं से लाते हो, अच्छा जेनेटिक्स का ब्रू स्टॉक लाते हो, उसको हर साल इम्प्रूव करते हो, जनरेशन बढ़ता है, इम्प्रूव होता है, उसका सीड को फिर हम ट्रीट करके मोनोसेक्स बना के फिर सेल आउट करते हैं। अच्छा, वही कला है। ये बारीक चीज़ें हैं जो समझना पड़ेगा, लोगों को भी समझना पड़ेगा बारीक चीज़ें। ठीक है सर, और ये कितने दिन का होगा सर अभी? ये अभी 7-8 दिन का। 7-8 दिन का है, ठीक है सर। और ये सर यहाँ पे भी कुछ मैं मछलियाँ देख रहा हूँ, ये किस लिए है? ये जो देख रहे हैं, ये मच्छर अच्छा ना हो हमारे हैचरी में, इसलिए। अच्छा, मच्छर ना हो इसलिए नाली में छोड़ दी है। ठीक है, ये अच्छा नाली है, ये तालाब में गिरता है। यहाँ से जो एक्सेस ड्रेनेज है, समझ लीजिए, एक्सेस पानी जो है वो निकलता है। और इसमें क्या करते हैं सर? ये पैकिंग एरिया, पैकिंग एरिया है ये। अच्छा, ठीक है, इसमें भी कुछ है, अभी इसको टाइम लगेगा, ये आज पैकिंग होकर बाहर जाएगा, आज पैकिंग होकर बाहर जाएगा। अब जैसे हम ये टैंक देख रहे हैं सर, तो एक एक टैंक की कैपेसिटी क्या होगी इसमें पानी? ये लगभग है आपका 12,000 लीटर का टैंक है एक। हाँ, इसमें 1.5 से 2 लाख सीड हम कंडीशनिंग कर सकते हैं। अच्छा, सीड को कंडीशनिंग कर सकते हैं, इसके बाद ये सीधा पैकिंग हो जाएगी। जी जी। तो सर ये तो जैसे सप्लाई एरिया हो गया, यहाँ से आप डिलीवर कर रहे हैं, इसके बाद क्या दिखाने वाले हैं? इसके बाद सीड कहाँ स्टॉक करते हैं, कितना दिन में वो 1 kg आता है, केज कल्चर और पॉन्ड कल्चर आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ सीड प्रोडक्शन यूनिट है। हाँ, आप कल्चर यूनिट दिखा। चलिए सर, तो भैया ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ये क्या है? ये केज कल्चर है भैया, पिंजरे में मछली रख के उसको बड़ा करते हैं, छोटा साइज का अच्छा रहता है, 20 से 30 ग्राम का स्टॉक करना, पर छोटा साइज भी कर सकते हैं जो हैचरी से आता है, थोड़ा उसमें फिर थोड़ा मोर्टलिटी आता है अगर एकदम छोटा किया तो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें अगर छोटा साइज स्टॉक किए अप टू 7-8 मंथ्स आपका 1 kg साइज आ जाएगा। और देखिए हम लोग ऐसे जा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं जिसपे हम लोग जा रहे हैं? इसको पल्टून बोलते हैं, पल्टून बोलते हैं, उसमें हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं और बाकी चीजें भी समझाते हैं आपको। ये लोकेशन कौन सा है, हम लोग वहाँ से चल के आ गए माना से, ये कौन सी जगह है? ये ठेलका, ठेलका डी बोलते हैं इसको। हाँ, ये रिजर्वायर ज्यादा बड़ा नहीं है, 20-30 हेक्टेयर का रिजर्वायर है। इसमें आप 200 केज लगा सकते हैं, हमने वैसे 48 लगाया है और बढ़ा सकते हैं। 1 केज में एनुअली 6-7 टन प्रोडक्शन आता है, 2 क्रॉप लेते हैं हम लोग,
फ्लीट को स्टॉक करके रखते हैं एक जगह में, फिर जैसे ही चार पाँच महीने में ग्रोथ आ गया फिर उसको बेच के फिर तो एक साल में दो क्रॉप आराम से निकल जाता है। अच्छा, ये अभनपुर के पास एक गाँव है ना सर, अभनपुर पार करके हम आए हैं। अब चलिए अब हम वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है उसमें और केस सिस्टम से कैसे करते हैं, ये आप समझ सकते हैं अभी। तो भैया ये जो हम देख रहे हैं इसमें किस साइज की मछली है? इसमें अभी हार्वेस्टिंग एक बार हो चुका है, अभी ये एक डेढ़ महीने बाद फिर से हार्वेस्टिंग होगा। ये अभी 200 ग्राम से लेके 300 ग्राम ये वाली है, बाजू में 500 ग्राम की भी है, 700 ग्राम की है। फीट से मैनेजमेंट करके आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से, कुछ मछलियों को एक पार्ट में ज़्यादा बड़ा कर दिए, एक पार्ट में थोड़ा कम बड़ा रखें, तो आपके पास 12 महीने माल रेडी रहेगा, डेली एक एक टन माल बेचते रहिए, एक टन दो टन माल बेचते रहिए। ये देखिए इधर दिखा हरी, और ये तालाब के इतने छोटे से एरिया में आप कर सकते हैं? हाँ जी, ये एक्चुअली रिजर्वायर बड़ा है। हाँ, रिजर्वायर बड़ा है पर ये केजेस का पानी यानी सर्कुलेट होते रहता है। हाँ, पानी इतना बड़ा है कि इसमें खराब नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। तो जो पानी सोच लीजिए इधर से फ्लो है उधर से निकलते निकल जा रहा है, एक तरफ से आ रहा है एक तरफ से निकलते जा रहा है, तो इसमें पानी का कुछ पैरामीटर खराब नहीं होता। और इसका जो मछलियाँ जो खाती हैं उसका एक्सक्रीशन बाहर दूसरे मछलियों को भी पौष्टिक देता है, वो भी बढ़ती है। और ये आपके हैचरी में ही तैयार हुई? हाँ, ये हमारे हैचरी को है ना, वही प्रोडक्ट है आपके हैचरी का। ठीक है, तो ये जो हम देख रहे हैं जैसे खंड देख रहे हैं पूरा नीचे तक होगा तालाब के गहराई तक? 4 मीटर है, 4 मीटर, 6 मीटर बाई 4 मीटर बाई 4 मीटर। ये पूरा जाली नीचे से डला है और साइड से डला है, उस पर मछली है। हाँ, तो जाली का ध्यान रखना पड़ता होगा कि वो फटे ना? महीने महीने में एक एक बार आप उठा के देख लीजिए। हाँ, और अगर चोक है तो थोड़ा साफ भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहता है तो बढ़िया ग्रोथ अच्छा आता है उसमें। ठीक, तो एक एक टैंक में तकरीबन कितनी मछली आज की डेट में? अभी ये अगर 350 ग्राम है एवरेज, 4 से 5 हज़ार मछली रखते हैं इसमें, ढाई टन के आसपास पकड़िए इसमें। अच्छा, इसमें 250 ग्राम है, अभी ज़्यादा मछली नहीं है पर 2.5-3 टन इसमें माल निकलेगा। अभी बायोमास ज़्यादा नहीं है, 400-500 ग्राम अगर लिए तो दो टन ढाई टन ही होगा, बट और ज़्यादा 4 टन तक ले सकते हैं अभी। और तलबिया ही है? तलबिया है। तलबिया का आज का जो प्रोडक्ट के रेट की बात करें तो प्रोडक्ट का रेट क्या होगा, जैसे 1 किलो का क्या रेट जाता होगा? तलबिया का यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा फार्मर लोग खुद आके लेके जाते हैं 110 में। हाँ, पंगेशियस 90 में। अच्छा, और तलबिया का FCR कम है पंगेशियस से। हाँ, तो मार्जिन ज़्यादा बचता है इसमें। अच्छा, इसमें पैसा ज़्यादा बच जाता है लोगों का, और साल में 2 कल्चर भी निकल जाता है इसमें। ठंड में फ़र्क नहीं पड़ता, देखिए अभी इतना ठंड है फिर भी दाना उठा रही है मछली, तो ठंड में भी ये दाना उठाती है तो ग्रोथ करता है अच्छा, तो इजीली 2 कल्चर आप साल में ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए भैया कि आपके यहाँ के सीड लेने से बेनिफिट क्या है फार्मर के नज़रिए? पहली बात सर, हम खुद एक फार्मर हैं। हाँ, हम खुद कल्चर भी कर रहे हैं फिर बाद में हैचरी, तो हैचरी पहला चीज़ जेनेटिक्स अच्छा होना चाहिए ब्रूड स्टॉक को। हमारा ब्रूड स्टॉक बहुत बाहर से लाए हैं और बहुत प्रीशियस ब्रूड स्टॉक है, इसको ठीक से हम सिलेक्शन करके इसका सीड प्रोडक्शन लेते हैं। तो अगर हम खुद ही सीड अच्छा नहीं बनाएंगे तो हमारा खुद का कल्चर भी कैसे अच्छा रहेगा? तो सीड बहुत अच्छा मिलेगा आपको, कंसल्टेंसी अच्छा मिलेगा, यानी ऑन फील्ड बुकिश नहीं, हम खुद कल्चर भी कर रहे हैं देखिए प्रोडक्शन कैसा है। हाँ, तो यही चीज़ अगर फार्मर को भी ऐसे ही प्रोडक्शन मिलेगा तो उसको भी कितना मुनाफा, हमारे जैसे ही वो प्रोडक्शन ले रहा है तो इससे अच्छी बात। और किस टाइम में क्या करना अच्छा रहेगा, शिफ्टिंग हर चीज़ का आपको सपोर्ट रहेगा, हमारे टेक्नीशियन है, आप फ़ोन करिए तो उसी दिन एक दिन 24 घंटे के अंदर आपके साइड में पहुंच के टेक्निकल सपोर्ट भी आप अवेलेबल कराएंगे, टेक्निकल सपोर्ट इवन माल भी आपका बेच के भी देते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे हमारे दर्शक कोई राजस्थान से भी है, पंजाब से भी है, कर्नाटक से भी है, केरल से भी है, पश्चिम बंगाल से भी है, नेपाल से भी है, तो आप इंडिया के कहाँ कहाँ पर सप्लाई? ऑल ओवर इंडिया दे सकते हैं सर, ऑल ओवर इंडिया आपको 24 घंटे में सीट मिल जाएगा। अच्छा, बाई एयर हो या बाई रोड हो, जैसे और भी इंडिया से बाहर? इंडिया के बाहर अभी फिलहाल नहीं दे रहे, बट जल्दी कर चालू कर, कुछ मिल जाएगी इंडिया के बाहर, कमेंट करके इसीलिए मैंने पूछ लिया। इंडिया के बाहर, इंडिया के नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी अवेलेबल करा। ठीक है सर, तो दोस्तों ये था MM फिश हैचरी रायपुर छत्तीसगढ़ से, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। और आगे चल के लगातार वीडियो इस हैचरी के आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे, इसके लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें, और सीट के लिए भैया का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क कर लें। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें।